छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से ये आपने क्या किया? रोहन के लिए हाँ कर दी? आप तो उसे जानती भी नहीं। हमने वही किया जो एक घर के सरबराह को करना चाहिए। ये तो फिर मेरा जवाब लेके जा। ये रहा मेरा जवाब। आर यू श्योर मैडम? और हाँ, अपने मगरूर शहजादे को दे देना। आपने मिसेस खान की जगह किसी को अपॉइंट किया? अम्मी बेगम, मैंने 2-3 डिजाइनर्स के इंटरव्यूज किए हैं। होपफुली आज मैं और मामू मिलकर उनमें से किसी को फाइनलाइज कर लेंगे। अरे आइए मिस्टर अली थोड़ा, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। मीट मिस मरीना अलवी, हमारी न्यू चीफ डिजाइनर। नाइस टू मीट यू मिस्टर अली थोराब। दो लोग हमने और भी तो शॉर्टलिस्ट किए थे, जुल्फिकार साहब और मिस अंजुम आरा हमदानी के कहने पर इन्हें आज अपॉइंट कर लिया गया है सर, और ये आज से यहाँ पर ज्वाइनिंग दे रही है। आई सी। तो अगर आपने और चेयरपर्सन ने फाइनल कर ही दिया तो फिर मेरा वोट तो मायने नहीं रखता। कंग्रेचुलेशंस मिस मरीना अलवी, अब आप हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। थैंक यू सर। माय प्लेजर। मिस मरीना, आप भी प्लीज जाकर एचआर डिपार्टमेंट से अपनी डिटेल्स ले लीजिए। ओके सर। मिस, ये तो सोशियोलॉजी का पेपर है। तो सोशियोलॉजी का ही पेपर है? नहीं मिस, आज तो इस्लामिक हिस्ट्री था, है ना? मैं तो उसकी तैयारी करके आई हूँ। कॉलेज को जरूर कोई गलतफहमी हुई है ना गर्ल्स? कश्माला औरंगजेब, वैसे भी आपको पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं है और अब आप ऐसे स्टूपिड से बहाने करेंगी? नहीं मैम, मैं कोई बहाना नहीं करी, मैं वाकई पढ़ के आई हूँ, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री के लिए। गेट आउट, फौरन क्लास से बाहर निकल जाएं। मैं अभी आपके पेरेंट्स को लेटर भिजवाती हूँ। भाई उसका बाप नहीं है तो हमें तो उनके सर पे बाप है, वरना मैं ये शादी कभी ना करती। कौन? अली तुराब? ये तुम्हारी भूल है मिसेस खान। अंजुम आरा बेगम का फोन आया था, घर आना चाह रही हैं कश्माला और रोहान का रिश्ता पक्का करने के लिए। क्या 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 वाकई? जी हाँ जनाब। के मन मर जाए। आइए आइए, प्लीज आइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई हैव अ गुड न्यूज एंड आई हैव अ बैड न्यूज। हाय।
पहले गुड न्यूज दे देते हैं, मीट मिस मरीना अल्वी, ये हमारी नई चीफ डिजाइनर है। बैड न्यूज इज कि ये मिसेस समिया खान की जगह पर आएंगे। एनीवेज ये हैं मिस सना, मिस्टर कश्माल, हाय, मिस्टर अरमाल एंड मिस नाजिश, शी इज द मोस्ट सीनियर वन। और ये है आपका डेस्क। ये डेस्क यहाँ सब ऑर्डिनरी स्टाफ के साथ? मिस्टर सरमद, मेरा ऑफिस अलग होना चाहिए, या एटलीस्ट सीईओ के बराबर वाला रूम। देखिए मिस मरीना अल्वी, बात यह है कि मरीना कहिए ना, सिर्फ मरीना। देखिए मिस मरीना, पहली बात तो यह कि ये ऑर्डिनरी लोग नहीं है, ये हमारी कंपनी के बहुत होनहार वर्कर्स हैं, इनकी वजह से हमारी कंपनी है आज और फिलहाल हमारे पास यही स्पेस अवेलेबल है। गाइस एंजॉय योर टाइम विद हर। ओके कश्मारा, पेपर कैसा हुआ? बहुत कमाल पेपर हुआ, जिंदगी में ऐसा इम्तिहान कभी नहीं हुआ। वाकई? हाँ, बस अल्लाह करे वो भी इसी तरह का इम्तिहान गुजरे। क्या क्या कहा तुमने? पागल। अच्छा चलो ना कैंटीन चल के कुछ खाते हैं, पेपर भी अच्छा हुआ है, भूख भी लग रही है, चलते हैं ना। चल आप, आपकी जुरत कैसे हुई मेरी बेटियों के बारे में इस तरह की बात करने की? ये क्या कह कर गई है गुलनार? क्या यही ना कि हम कल शाम 6 बजे तुम्हारी यतीम बेटी का रिश्ता तय करने तुम्हारे भाई के घर जा रहे हैं? यही कहा है उसने या कुछ और जर दिया? हाँ यही, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी बच्चियां अब यतीम नहीं रही। क्यों? कॉलेज और पासपोर्ट में बाप के खाने में औरंगजेब खान का नाम दर्ज नहीं है क्या? हाँ है, लेकिन अब हकीकत बदल चुकी है। हकीकत अटल होती है मिसेस खान, और वक्त का कोई बहाव उसे तब्दील नहीं कर सकता। हमारी ये कोठी, हमारी शान और शौकत, और हमारा कारोबार, और सबसे ज्यादा ये कि हम अंजुमारा हमदानी एक अटल हकीकत है। हमारा कहा पत्थर की लकीर है, एक अटल हकीकत जिसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। मेरी तरफ से आप बेशक खुद को खुदा समझ लें मिसेज अंजुम, लेकिन मेरी बेटियों की तरफ कोई बुरी निगाह मत डालिएगा। बुरी निगाह? हम तो उसके भले के लिए एक आला नस्ब के आला खानदान के लड़के से उसका रिश्ता तय कर रहे हैं, यानी नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। किसी ने सही कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। भाई उसका बाप नहीं है तो हमें तो उनके सर पे बाप है, वरना मैं ये शादी कभी ना करती। कौन? अली तुराब? ये तुम्हारी भूल है मिसेस खान, लेपालक बच्चियों के साथ रहने से कोई मर्द बाप नहीं बन जाता, और ना ही सौतेले बाप की कोई हैसियत होती है इस माशरे में। ये बात तो तुम्हें भी समझनी चाहिए, कोई 16 साल की बच्ची नहीं हो तुम। अली तुराब सिर्फ अपने बच्चे के बाप कहलाएंगे, जो कि तुम तो कम से कम उन्हें दे नहीं सकते। कहो तो कि
किसी लेडी डॉक्टर से मशवरा कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कल शाम 6 बजे, ख्याल रहे हम वक्त के बहुत पाबंद हैं। कासिम, कासिम यहाँ भी नहीं है। अरे यहाँ पर भी नहीं है, क्या जिन भूत हो गए? कासिम, कासिम, अरे कासिम यहाँ क्या खड़े हो? आसमा, रात को अब्बा मेरे ख्वाब में आए थे। हाँ तो आ गए, तो रोका तो नहीं जा सकता किसी को ख्वाब में आने से, लोग आते हैं ख्वाब में। हाँ लेकिन वो बार बार तकरार कर रहे थे कि कासिम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। कश्माला भी उस दिन यही कहकर गई थी। हद हो गई सूफी साहब, आप भी बच्चों की तरह डरने लगे। पहले खुशखबरी तो सुनिए। अंजुमारा बेगम का फोन आया था, वो घर आना चाह रही हैं कश्माला और रोहान का रिश्ता पक्का करने के लिए। क्या 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 वाकई? जी हाँ जनाब, मेरे बिछाए हुए जाल से बचना कोई आसान बात नहीं है। मान गए अस्मा भाई, मान गए। अब ऐसे खड़े हुए मुस्कुराते रहेंगे? अरे भाई अपने हाथ से पकाकर कुछ खिलाएं या फिर कहीं बाहर रेस्टोरेंट में ले जाएं। अब वो तुम्हें मेरे हाथों का बना वो कोरमा पसंद है ना, बकरे का? ठीक है ठीक है, लेकिन पहले कुछ सामान लाना पड़ेगा, घर की सफाइयां भी करनी होंगी। ये मेरे अकेले के बस का काम है, एक आध मासी बुलवानी पड़ेगी। अरे एक मासी क्या, दो दो ले लेना। चलो औरंगजेब मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बेटियों के भले के लिए फैसला किया था। कौन जानता था कि अनजाने में मकड़ी के जाले में फंस जाऊंगी। ना इसमें जकड़ी रह सकती हूं और निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। मेरी तो सांसें घुटने लगी हैं इस महल में। खुदा के बाद अली तो राब का आसरा था, तो वो भी बाजी के दबाव में आ चुके हैं। जब मेरे पास होते हैं तो मेरे, और जब बहन के पास जाते हैं, या खुदा मेरी बच्चों की हिफाजत फरमा।
क्या बात है कमाल, तुमने अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मिस नाजिश, आज जल्दी छुट्टी मिल सकती है? क्यों? वो बंगाली बाजी है ना, वो मगरिब के बाद तावीज नहीं देती। तावीज किस लिए? बॉस का बार बार मिस समिया की कॉल काटना, और ये मिस मरीना है ना, ये बहाने महाने से बॉस के ऑफिस में जाती है। आप लोगों को नहीं लगता कि बंगाली बाजी के तावीज की अशद जरूरत है? ठीक है तो फिर पैसे जमा कीजिए। पैसे वो लेती नहीं है, फीस वीस नहीं लेती, लेकिन लोन का सूट देना तो बनता है ना। मेरे और सना के ये होती है दोस्त। थैंक यू। क्या हुआ, अभी खूबसूरत आदमी देखा नहीं है? और देखना है तो यहीं बैठ जाऊं? कमाल अब चले भी जाओ। बस आज की रात खुदकुशी कर लूंगी, मैं मार दूंगी अपने आप को, खत्म कर दूंगी। गॉड, जॉन जॉन, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? एक इतनी खूबसूरत लड़की लाल दुपट्टे से खुदकुशी? ब्लू दुपट्टे से। यू वर डिफरेंट, तुम बहुत मुख्तलिफ थे। मुख्तलिफ तो आप भी बहुत थे, और अब बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। इस चूरन की पहली खुराक मुफ्त, और उसके बाद हर खुराक के पैसे होंगे। भाई हम कसम से पैसे नहीं दे सकते, 2 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली है। क्यों? वो हमने बाजी बेगम की गलती से चादर जला दी थी, उसकी सजा दी है उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं दे सकती तो ऐसा करो, ये देखो हमने ये खालिस बादाम का तेल कोलू से मंगवाया, इसकी जरा हमें मालिश कर दो। इस वक्त काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, और अगर हम यहाँ लग गए ना तो बाजी बेगम ने हमारी खाल उतार देनी है। मालिश के पैसे? अच्छा भाई करते हैं मालिश। बात सुन कर, पहले जरा सर का हमारे मसाज करो, जरा हमें आराम दो। मानो तुम नाजायज करती हो हमारे साथ। तुम चूरन खा लो, वो नाजायज नहीं। हाथों में दम नहीं है, इतने पराठे ठूसती हो, जरा हाँ करो। चलो जुफर। जी मैडम। घर? घर भाईजान के घर।
जॉन किधर है इस वक्त? वो मशीन वाला आदमी बाजी, वो 6 बज रहे ना, तो छोटे साहब का आने का टाइम हो गया है, वो गेट पे उनका इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, गेट पे खड़े होके। ऐसा करो, कपड़ा छोड़ो। बाजी बेगम ने कहा था कि कपड़ा छोड़ो। चलो या, आ मेरे साथ। क्या बाजी? तो मैं बाजी का बंधन लगा लूंगी, खुदकुशी कर लूंगी मैं। बेबी, तुम्हारे पास कोई रस्सी या दुपट्टा है? हाँ हाँ है, नीले और सफेद रंग का है, चलेगा? चलेगा चलेगा नहीं बेबी, दौड़ेगा दौड़ेगा, जाओ। हाँ हाँ अभी लाई। बस आज की रात खुदकुशी कर लूंगी मैं, मार दूंगी अपने आप को, खत्म कर दूंगी सुसाइड। इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत अच्छी। लोग अगर मेरी खुदकुशी की वजह पूछेंगे तो मैं सिर्फ एक ही शख्स का नाम लूंगी। सोशियोलॉजी का पेपर इस्लामिक हिस्ट्री में कैसे बदल गया? बस जॉन स्टॉप इट। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की की खुदकुशी की बात हो रही है, तुम्हें तुम पर उसके सुसाइड नोट का भी कोई असर नहीं हो रहा है। मत भूलिए सर कि मेरे एहसासात और जज्बात मर चुके हैं। मैं एक सिर्फ रोबोट हूं जो आपके बॉडीगार्ड के फराइज अंजाम दे रहा है। गॉड, जॉन जॉन, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? एक इतनी खूबसूरत लड़की, लाल दुपट्टे से खुदकुशी? ब्लू दुपट्टे से। शट अप जॉन, उसका दुपट्टा लाल है या ब्लू, आई डोंट केयर। व्हाट आई केयर अबाउट इज कि तुम्हें उसको रोकना है इस काम से, वरना तुम जाओ उसके पास। हाय बेबी, हाउ आर यू? आई लव यू टू। मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूं बेबी, बाय। चलो सर, गो। लाटू बट्टा आपको मैं नजर भी आती हूं या नहीं? बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। समय क्या हो गया तुम्हें? ये तुम एग्जीक्यूटिव से अचानक घरेलू बीवी क्यों बनती जा रही? जो शौहर के दफ्तर से घर आते ही मसाइल के अंबार लिए हुए उसमें हमला कर दे। You were different, तुम बहुत मुख्तलिफ थी। मुख्तलिफ तो आप भी बहुत थे और अब बहुत तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन ये मत भूलें कि मैं एक माँ भी हूँ और वो भी दो जवान बच्चियों की। हाँ तो क्या हुआ उन बच्चियों को? अभी तो मैं मिलकर आ रहा हूँ, दोनों एंजॉय कर रही हैं, हंस खेल रही हैं। और बाय द वे, आज मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है वहां। वो बाजी, ओह माय गॉड, फिर वही टिपिकल हाउसवाइफ। बच्चों का नहीं तो सास बहू का मसला। अब आखिर बाजी ने क्या कर दिया है? क्या प्रॉब्लम है अब बाजी से? मुझे नहीं, उनको प्रॉब्लम है, मुझसे, मेरी बच्चियों से। कल वो कश्माला का रिश्ता रोहान से तय करने जा रही हैं। अब ये कौन है? कासिम भाईजान का बेटा। यानी कि तुम्हारा भतीजा। तो समिया, इसमें बुराई ही क्या है?
यानी अब्बा जी अच्छा भी करें तो तुम फिर भी उनके अगेंस्ट जाओ। आप भाईजन को जानते हैं और खासकर भाभी, जिस तरह से उन्होंने हमें ट्रीट किया आपको सब मालूम है। देखो समिया, मेरा ख्याल है कि रिश्ता बुरा नहीं है, और वैसे भी कश्माला का आगे पढ़ाई का कोई खास इरादा नहीं है। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं ये जानने के बावजूद भी कि मैं किस तरह के हालात में घिर गई हूँ। बस इस्लामाबाद तक ही तो जा रहा हूँ, वापस आ जाऊँ फिर देखता हूँ। नहीं, आप बाजी से भी बात करें कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। पहले रोहान को कराची आने दें, हम सब लोग उससे मिल लें, खासकर कश्माला। समय 8 बजे की मेरी फ्लाइट है, तुम्हारी खातिर बाजी से बात करता हूँ। ओके, मैं भी साथ चलूं? नहीं, मैं खुद बात करता हूँ। लड़का आ नहीं रहा, कहाँ रह गया? समद, समद, नहीं 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 कश्माला, नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकती, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। अरे क्या हो गया, पागल हो क्या? तुम्हारी माँ का घर इसलिए नहीं कर सकती मैं? अब ये तुम्हारा घर भी है। आपकी रिहाई का परवाना, इसमें वही कुछ लिखा है जो हमने और आपने होटल में तय किया था, हमारा मोहेदा। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। नहीं 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 कश्माला, नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकती, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। अरे क्या हो गया, पागल हो क्या? तुम्हारी माँ का घर इसलिए नहीं कर सकती मैं? अब ये तुम्हारा घर भी है, और वैसे भी जो तुम ये करने जा रही हो ये ठीक नहीं है, ये जुर्म है। जुर्म? एक तो तुम्हारी माँ की किताब में हर चीज जुर्म है, सांस जोर से लेना जुर्म है, खाना वक्त पे खाना जुर्म है। आई डोंट केयर, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे मेरा काम करने दो। भूख? एक मिनट, तुम मरने से पहले क्या कोई अपनी भूख खत्म करता है, खाता भी है? देखो मिस्टर, बानो कहती है कि एसी में से बाहर निकल के रोजाना ताजी हवा खानी चाहिए, जहन पे अच्छा असर पड़ता है। अब मुझे मेरा काम करने दो, समझे तुम? नहीं नहीं सुनो, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, प्लीज स्टॉप इट, रुक जाओ। ओ चीकू, 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 तो तुम ये चीकू तोड़ रही थी इतनी देर से, तो तुम्हें क्या लगा फांसी का फंदा लगा रही थी मैं? देखो मेरी बात सुनो, ये खुदकुशी वुदकुशी मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और ये जो तुमने मेरे इम्तिहान की टाइम टेबल चेंज की ना, ये कोई इंतहाई घटिया तरीन हरकत थी। पास वगैरह तो मैंने होना नहीं था, लेकिन खाम खाब बीए, फिर एमए, फिर बीए, फिर एमए, अच्छा ही हुआ। अच्छा भाई, तो चीकू खाओगे? अच्छा नहीं, तुम्हारी मर्जी। सुनो कश्माला, I'm really sorry. Can we be friends? सोचेंगे।
अगर आप अपनी चहीती बेगम का कोई मसला लेकर आए हैं तो वापस चले जाइए। हमने आपको 3 महीने का वक्त दिया है, इसमें हम जो जी चाहे करेंगे और आपको और आपकी बेगम को मानना ही पड़ेगा। हाँ, अब अगर आप आ ही गए हैं तो इस स्टैम्प पेपर पर दस्तखत भी कर दीजिए। ये क्या है बाजी? आपकी रिहाई का परवाना, इसमें वही कुछ लिखा है जो हमने और आपने होटल में तय किया था, हमारा मोहेदा। तो क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? आप पर तो है अली तुराब, लेकिन क्या मालूम उस साहिरा के पहलू में जाकर आप ये मोहेदा तोड़ डालें। वो कोई ऐसा इस्म पढ़े कि आप अपने कहे से फिर जाएं। आखिर को मर्द हैं आप। एक गुजारिश है, बल्कि एक सवाल है आपसे। बोलिए। अगर आपको समिया से इतनी ही नफरत है तो फिर आप उसकी बेटी का रिश्ता क्यों कराना चाहती हैं? आपको तो इस सारे मामले से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने अली तुराब, लेकिन जमीर भी तो कोई चीज है। समिया अगर कसूरवार है तो उसकी बेटियां क्यों भुगतान भुगते? तो तुम मानती हो कि ये शादी करके तुमने गुनाह किया है? अपनी बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए मैं कोई भी इतराफ करने को तैयार हूँ। अरे अब्बा, मेरी बात तो सुनिए। मैंने अम्मा को साफ साफ बता दिया था कि मैं कश्माला से शादी नहीं करूंगा। अरे उसने मुझे बचपन में इतना कूटा था, तो अब तो उसकी मार की निशान आज तक मेरी पीठ में है।